गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू इज द नंबर विच टेल अस द प्लेस एंड द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। प्लेस वैल्यू वो नंबर होता है जो कि हमें नंबर की प्रॉपर प्लेस बताता है कि वो कौन सी प्लेस पर है, और उसकी वैल्यू बताता है कि नंबर की वैल्यू क्या है। सपोज कीजिए यू हैव द गिवन नंबर इज 34, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द टेंस एंड वंस पोजीशन। यस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सी पोजीशन पर है। हमें उसकी पोजीशन पता होगी तो ही हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कि 4 हमारा वंस के नीचे है तो वो वंस की प्लेस पे है, 3 हमारा टेंस के नीचे है तो उसकी वैल्यू हमारी टेंस है। हम इस प्लेस वैल्यू को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसा? सपोज कीजिए आपसे पहले 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी हमारी? 4 वंस, लाइक दिस। ठीक है, एक तो हम इस तरीके से प्लेस की वैल्यू लिख सकते हैं डिजिट, और नेक्स्ट हम लिखेंगे 4। हमने 4 क्यों लिखा है? क्योंकि आप बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं कि 4 जो है हमारा वंस की प्लेस पे, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आया है 4। हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि 4 के बाद हमारे को कोई भी नंबर कोई भी डिजिट गिवन नहीं है, इसलिए हम खाली 4 लिखेंगे। अब इन द केस ऑफ 3 हमारा किसके नीचे आ रहा है? टी के नीचे, तो टी इज अवर टेंस, तो यानी कि ये क्या होगा? 3 टेंस। अब हमारा 3 के बाद 1 डिजिट हमें गिवन है ना, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 30। क्यों हमने एक जीरो यहाँ पर क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद 1 डिजिट गिवन है। ठीक है, ये तो है हमारा 2 डिजिट प्लेस वैल्यू। अब हम कर लेते हैं 3 डिजिट। फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर 125। इफ़ वी हैव नंबर 125, ये हमारा नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। ठीक है, अगर हमें 125 गिवन है, सबसे पहले हम इसकी 100 टेंस और वंस लिखेंगे। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द राइट हैंड व्हेन वी राइटिंग 100 टेंस वंस, वी स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड। इन द मैथ्स, जब भी हम मैथ्स में कुछ भी क्वेश्चन स्टार्ट करने जाते हैं, चाहे वो हमारा एडिशन का सम है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का सम है, चाहे वो मल्टीप्लाई का सम है, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड कौन सा होता है जिससे हम लिखते हैं? हम हमेशा उसी हैंड से सम को करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे को 100 टेंस वंस में अगर 2 की वैल्यू पूछी है, सबसे पहले अगर अंडरलाइन डिजिट हमारे पास 2 है तो हम 2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? दो तरीके से मैंने अभी आपको वैल्यू लिखना बताया है। कैसे लिखेंगे यहाँ पर? क्योंकि ये 2 हमारा ऊपर देख लेंगे किसके नीचे आ रहा है, टेंस के नीचे, तो वी विल राइट 2 टेंस और वी विल राइट 20। क्यों? क्योंकि 2 के बाद हमें 1 डिजिट गिवन है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20। वी विल राइट प्लेस वैल्यू इन दीज 2 काइंड्स। ठीक है, अगर हमें 5 की वैल्यू पूछी है तो क्या होगा? 5 वंस, बिकॉज 5 इज अंडर दी वंस, सो वी विल राइट 5 वंस एंड नेक्स्ट इज 5, ओनली 5। ओके, अगर हमसे 1 की वैल्यू पूछी है तो कैसे लिखेंगे हम? 1 इज ऑन 100 प्लेस, तो यानी कि 100। और वी विल राइट 100। वाई डू वी राइट हेयर 20? बिकॉज वी हैव 2 डिजिट, हमारे पास 2 डिजिट अवेलेबल हैं, गिवन है 100 के 1 के बाद, इसलिए हमने यहाँ पर 20 लगाए हैं। ये तो है हमारी सिंपल प्लेस वैल्यू।
अब मैंने आपको इसमें तीनों की प्लेस वैल्यू बताई है। अगर हमारे को कोई नंबर गिवन है, सपोज कीजिए अगर हमें गिवन नंबर है 425, उसमें हमारे को अंडरलाइन नंबर है 2, द क्वेश्चन इज आस्क दैट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट विच मीन्स 2, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, देन वी विल राइट 2 टेंस और 20। हम इस तरीके से दोनों तरीके से वैल्यू को लिख सकते हैं। ये तो है हमारी प्लेस वैल्यू। अब एक और हमारा होता है फेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज द नंबर इटसेल्फ। व्हाट एवर द नंबर इज गिवन टू अस द फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम्स। सपोज इफ वी हैव द गिवन नंबर 547 एंड द क्वेश्चन इज आस्क व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4, इट रिमेन्स 4। जब हमसे फेस वैल्यू किसी भी चीज़ की पूछी जाती है तो द नंबर इटसेल्फ, जो भी हमसे क्वेश्चन में पुट ऑन है, क्वेश्चन में अगर हमारे से 4 की वैल्यू पूछी है इट रिमेन्स सेम, अगर हमसे 7 की वैल्यू पूछी है इट विल रिमेन्स सेम, अगर हमसे 5 की वैल्यू पूछी है देन इट विल ऑल्सो रिमेन्स द सेम। Whatever the value is asked in the face value, the number remains same because in face value, the number itself is called face value. तो I hope मेरा आज का टॉपिक आपको क्लियर है, place value and face value. हम आगे के टॉपिक और भी आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।